हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मलबेरी शेक और उसको हम मिक्स करके बनाएंगे मैंगो के साथ। और उसके लिए मैंने ये सारा सामान ले लिया है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। फाइनली जो वो बनेगा उसका टेक्सचर कुछ ऐसा होगा। और ये अगर हम खाली बनाएंगे तो वो इतना इजीली नहीं बनता, इसलिए मैं इसको मैंगो के साथ मिक्स करके बनाती हूँ। और इसको सैतूत भी कहते हैं। जिन लोगों को मलबेरी नहीं पता तो आपको पता होगा कि सैतूत बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही पावरफुल होता है और ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है। मीनिंग ये इस सीज़न का सबसे बेस्ट फ्रूट है। तो आप इसका शेक बनाइए और ख़ुद भी पीजिए और फैमिली के साथ भी इंजॉय करिए जल्दी जल्दी से बनाकर। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है एक मैंगो मीडियम साइज़ का, क्योंकि हमें मिक्स कर बनाना है। और उसके बाद आधी कटोरी चीनी। चीनी की क्वांटिटी आप थोड़ी कम रखिएगा क्योंकि हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं हनी। और जब भी आप इसको बनाएंगे तो पहले थोड़ा सा मिल्क ऐड करना है, उसके बाद इसको थोड़ा सा अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे हम, देखिए कुछ इस तरह से। और जैसे ही फाइन पेस्ट बन जाएगा इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क और ऐड करेंगे। और मिल्क ऐड करने के बाद टाइम है इसके अंदर 2 स्पून हनी ऐड करने का। हनी ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद एक बार इसको फिर अच्छे से हम चला देंगे। और 2 बार इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे गोंद कतीरा। गोंद कतीरा बहुत ही ठंडा होता है और इसको हमें भिगो कर रखना होता है। और ये देखिए, ये रहे सैतूत। तो इसको पहले हमने लिया मार्केट से और अच्छे से वॉश करा और उसके बाद इसको थोड़ा सा सुखा लिया। और इसको इस तरह से हमें इसके अंदर ऐड करना है। तो सारी जो सैतूत है आप पहले उनको अलग कर दीजिए, उसके बाद इसके अंदर ऐड करिए। मैं एक एक ऐड करके आपको दिखा रही हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए, पता लग जाए। ये सारे सैतूत हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और उसके बाद ये मैंने मिक्स कर दिया, ये देखिए। और इस तरह से हमारा जो सैतूत का शेक है वो हो चुका है बिल्कुल रेडी। अब टाइम है इसको सर्व करने का। तो इसके लिए मैंने ये 2 मग लिए हैं। ये आई थिंक आपको पता ही होगा ये मग किस लिए यूज़ होता है, बट हम इसके अंदर सैतूत का शेक सर्व करेंगे। और दूसरा भी मैंने एक बहुत ही प्यारा सा मग लिया है। तो जो भी आपको मग पसंद हो आप वो लीजिए और उसको अच्छे से एक बार वॉश करके ड्राई कर लीजिए। उसके बाद अब हम इसके अंदर सैतूत का शेक, तो थोड़े से सैतूत हम यहाँ पे गार्निश कर देते हैं जिससे कि थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया लग जाए, या फिर जो भी देखेंगे उनको कि हमने ये शेक किसका बनाया है। अगर आप खाली शेक बनाएंगे तो वो नहीं बनेगा, इसीलिए हम इसको मैंगो के साथ बना सकते हैं या फिर आप इसको बनाना के साथ भी बना सकते हैं। दोबारा से एक बार मैं बता देती हूँ, बहुत ही हेल्दी होता है, क्विक रेसिपी है, ईजी रेसिपी है और बच्चों को ये ज़रूर देना चाहिए। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज का जो शेक है वो होता है यहीं पर कंप्लीट। तो ये अब हम एंजॉय कर रहे हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय सैतूत का शेक, मलबरी शेक, क्विक एंड ईजी हेल्दी शेक रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा ब्लैंकेट। तो पिज़्ज़ा ब्लैंकेट बनाने के लिए ये मैंने बेस ले लिया है और इस पर हम लगाते हैं पिज़्ज़ा सॉस और ये मेयोनीज, जो बहुत टेस्टी लगती है पिज़्ज़ा सॉस के साथ। तो इसको भी थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करते हैं और इसको अच्छे से हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, स्प्रेड करेंगे इक्वली अच्छे से। तो चलिए वो करते हैं, अच्छे से मिक्स कर ली और इसको अच्छे अच्छे स्लो हाथ से इक्वली स्प्रेड करना है, लाइक दिस कर ली। आराम से करिए, इक्वल होना चाहिए तो टेस्ट इक्वल आएगा, अदरवाइज कम ज़्यादा हो जाएगी तो टेस्ट ही नहीं लगता। ये देखिए, ये अच्छे से इक्वली हमने कर दिया है। और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे, ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न जो मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए हैं। और आप भी इसको, ऑप्शनल है, अगर आप स्वीट कॉर्न यूज़ करना चाहें, कैप्सिकम यूज़ करना चाहें, चीज़ यूज़ करना चाहें, जो भी आपका मन करे, बट हम स्वीट कॉर्न यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हम लोगों के फेवरेट हैं। अगर आप चाहें तो आप मिक्स
वेज भी यूज़ कर सकते हैं, ऑनियन यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो आपको पसंद हो वो आप यूज़ करिए। और ये लीजिए, ये भी हो गया। और इसके बाद हम मोज़रेला चीज़ यूज़ करेंगे। मोज़रेला चीज़ ये रहा। और इसको यूज़ करने से पहले फ्राई पैन में, कढ़ाई में, जो भी आप यूज़ करें उसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद मोज़रेला चीज़ को अच्छे से मेल्ट करना है। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि पेशेंस रखने के बाद जब आप ब्लैंकेट पिज़्ज़ा टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने से पहले जब आप उसे देखेंगे, तो फुल मेहनत जो है वो वसूल हो जाएगी। इसको आराम से सिम पे अच्छे से मेल्ट करिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे को भी, बट इतने टेस्टी पिज़्ज़ा के लिए इतना तो बनता है। तो चलिए हम इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। देखिए थोड़ा सा हो गया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको सिम पर छोड़ देते हैं, जब तक कि अपने आप होता है। ऑलमोस्ट ये डन हो गया है। तो चलिए अब हम लेते हैं दूसरा फ्राई पैन। ये डन, दूसरा फ्राई पैन हमने ले लिया। अब इसमें हमने थोड़ा सा बटर ऑलरेडी डाल रखा है, और इसके अंदर हम रखेंगे पिज़्ज़ा बेस जो हमने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ था। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा मोज़रेला चीज़ जो हमने मेल्ट करके रखा था अच्छे से, उसको इसके ऊपर हमें ऐड करना है। तो चलिए अब उसे ऐड करते हैं। ये रहा हमारा चीज़, और ये रहा हमारा ब्लैंकेट पिज़्ज़ा। बन गया, यस फाइनली बन गया। और ये बहुत टेस्टी लगता है, इसमें मोज़रेला चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा जाता है, तभी ये ब्लैंकेट पिज़्ज़ा रहता है। मतलब ऑसम, बहुत देखने में भी बहुत टेस्टी लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब ये 99% डन हो गया। अभी इसको थोड़ा सा जहाँ पे रह रहा था स्वीट कॉर्न दिख रहे थे, तो वहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया है। और उसके बाद इसको 2-3 सेकंड्स के लिए हम रख देंगे, जो इसका साइड का है वो थोड़ा क्रंची हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। और ये अब हमारा 100% डन। तो चलिए अब इसको हमने इतनी मेहनत करके जो बना लिया है, अब इसको सर्व करते हैं। ओके, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। जो हम मार्केट में खाते हैं उससे भी काफ़ी टेस्टी लग रहा है मुझे। बाकी अभी टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि ये कैसा बना है। तो चलिए अब इसको हम फ्राई पैन में से निकाल लेते हैं। ये माइक्रोवेव में भी बन सकता है, बट माइक्रोवेव अभी जो है वो हमारे न्यू वाले घर में है, और हम अभी पुराने वाले में हैं। तो बट पिज़्ज़ा तो बनाना है ना, तो इसीलिए चलिए अब इसको करते हैं। ये ले लिया है मैंने चॉपिंग बोर्ड, और उस पे अब पिज़्ज़ा को निकालते हैं आराम से, बड़े प्यार से, जिससे ये टूटे ना आराम से। यस, ये हमने आराम से निकाल लिया है, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब इसको हम पिज़्ज़ा कटर से कट कर लेते हैं। ये हमने कट कर लिया, और जितने स्लाइस करना चाहें 4-6, तो 6 से ज़्यादा तो नहीं हो पाएंगे इसके, नहीं 8 हो जाएंगे, 8 स्लाइस, बट हमारा 4 में इनफ है। और उसके ऊपर मैंने ये स्प्रिंकल करा है रेड चिल्ली फ्लेक्स, ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डालिए, अदरवाइज़ नहीं। और उसके बाद ये सीजनिंग है, पिज़्ज़ा सीजनिंग जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए अब हम इसे ट्राई करते हैं, और आप भी इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, नहीं अभी एंड नहीं करते, अभी इसको कट करने के बाद अभी हम पिज़्ज़ा प्लेट में इसको सर्व करते हैं, क्योंकि अभी ये घर में टेस्ट करके बताया जाएगा कि कैसा बना है। तो सारे पॉइंट्स तो मुझे वहीं से मिलने वाले हैं, मोटिवेशन। तो यस, देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही सच में बहुत टेस्टी लग रहा है। तो आप इसको एक बार ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये पिज़्ज़ा कैसा लगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इन्जॉय टाइम टू पिज़्ज़ा पार्टी। यस यस यस, बाय करने के बाद भी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि मेन जो टेस्ट है, टेक्सचर है, वो यहीं से आएगा।
यस ये देखिए, वाओ होममेड होममेड ही होता है। यस चलिए फाइनली वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।